तो आई सबसे पहले हम अनु दुबे आप सब श्री राम भक्त के सादर प्रणाम करतानी, हार्दिक अभिनंदन करतानी या स्वागत करतानी रुआ सबके। शिव विवाह कथा के अपार सफलता के बाद आज हमरा राम विवाह कथा कहे के सौभाग्य प्राप्त भइल बा। कहल जाला कि राम नाम जपले से ही भवसागर से पार भइल जाला। त आए भक्त लोग, सीता राम के ही सुंदर जोड़ी आखिर कैसे बना रहे, ये कथा में हमनी के सुनल जाई। सबसे पहले रउआ सबके इस संगीतमय कथा में जे जे हमार सहयोग कैले बा ओकर पात्र परिचय करा दें। इस संगीत में राम विवाह कथा लिखले बानी आदरणीय श्री आर आर पंकज जी, संगीत से सजौले बानी आदरणीय श्री कैलाश जी मैक्स स्टूडियो दिल्ली, विशेष सहयोग कैले बानी हमार पिताजी श्री धर्मेंद्र दुबे जी, आ आशीर्वाद बा हमार गुरु जी के आदरणीय पंडित रामेश्वर तिवारी जी के। और ई कथा के आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहल बा, देखा रहल बा भोजपुरी के नंबर वन कंपनी यानी वेव म्यूजिक कंपनी, जेकर कर्ता धर्ता यानी मालिक बानी आदरणीय दिनेश जी। तो आई राम विवाह कथा से पहले हमनी के हरि नाम के सुमिरन कैल जाओ, कीर्तन कैल जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला राजा रामचंद्र महाराज की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, चलल जाओ। ओ समय के बात बा जब राजा जनक के नगरी जनकपुर में बारिश ना भइला से घोर अकाल पड़ गई रहे, सूखा पड़ गई रहे, ना फल होत रहे ना फसल होत रहे, त्राहिमाम त्राहिमाम लोग करे लागल। राजा औरी प्रजा बहुत चिंतित हो गई। तब राजा जनक जनकपुर नगरी में जल वृष्टि खाती एगो महायज्ञ के अनुष्ठान कैनी। और भक्त लोग आप सबके एगो औरी बात बता रहल बानी, राजा जनक के कोनो संतान ना रहे, ऐसे राजा औरी रानी बहुत दुखी बहुत चिंतित रहत रहलो। ओही यज्ञ के क्रम में ऋषि मुनि पुरोहित लोग राजा से कहल, हे राजन, रउआ इस सोना के हल
खेत में चलाई, कहीं यही से लिखल होखो कि राउर राज काज और प्रजा के कल्याण हो जाओ। तब राजा गुरुजन के आदेश अनुसार खेत में हल चलावे लगनी। अब देखी वही हल चलावे के क्रम में हल के सीध से जमीन के अंदर ठोकर लागल और राजा के हल रुक गई। जब राजा ओइजा धरती कोड़ के देखनी तो ओइजा एगो ऐसन चमत्कार भइल, एगो सुंदर घड़ा निकलल। ओह घड़ा में एगो सुंदर कन्या रहे। जब राजा ओह कन्या के देखले तब राजा के पहला बेर संतान सुख के अनुभूति प्राप्त भइल, मन में खुशी के लहर दौड़ गई। एने देखी आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमके लागल, इंद्र भगवान खुश हो गए नी आ झमाझम बारिश होके लागल, जनकपुर नगरी खुशहाल हो गई। अब राजा ओह कन्या के अपना घर यानी राजमहल में लेके जाता नी। राजमहल में पुरोहित के बुलावल गई आ ओह कन्या के नामकरण भई। कन्या के उत्पत्ति धरती में हल के सीत के स्पर्श भइला से भई रहे, ऐसे ओ कन्या के नाम सीता रखा है। सीता जैसे जैसे सयान होखे लगली ओसे ओसे भगवान भोलेनाथ आ माता पार्वती के पूजा में लीन होखे लगली। देखी सीता जा रहल बड़ी अपना सखी सहेली के संगे गिरजा पूजन करे खातिर आ आई एजा एगो गीत के कैसे भाव बा। बाद चली एक बार फिर हमनी के राम विवाह के कथा पर चलल जा। महर्षि नेमि के वंशज राजा जनक के महल में
अस्त्र शस्त्र रखे खातिर एगो सुंदर धनुषशाला बना रहे। वही धनुषशाला में राजा जनक के पूर्वज से प्राप्त भगवान शिव के एगो पुराण धनुष भी धई रहे। एक दिन राजा देखनी आ आश्चर्यचकित हो गईनी। धनुषशाला के साफ सफाई के क्रम में सीता बाया हाथ से शिव जी के धनुष उठा के आ साफ सफाई करके वो धनुष के रखत रही। राजा जब देखनी तो एकदम दंग रह गनी। अरे बाप रे बाप, ये धनुष तो आज ले केहू से उठलो ही नहीं खे। हमारे इतना छोट बेटी कितना आसानी से ये धनुष के एने से उने को देतिया। राजा तहिए एगो प्रण कर लेनी कि हम अपना सीता के ब्याह वही राजकुमार से करब, वही वीर से करब जे भगवान शिव के एह धनुष के उठाई आ ए पर कमान चढ़ाई। एने राजा जनक प्रण कर लेले बनी आ स्वयंवर के ऐलान कर देले बनी। आ ओने सीता रोज के भली भांति गिरजा पूजन करे खाती अपना सखी सहेली लोग के संगे मंदिर में जाते। अब देखी कथा एगो एजा नया मोड़ लेता। महर्षि विश्वामित्र जी एगो यज्ञ करत रही जौना के असुर जाति लोग सफल ना होके देत रहे, बार बार विघ्न डालत रहे। ओ यज्ञ के सफल बनावे खातिर रक्षा करे खातिर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम लक्ष्मण के बुला के लाइल बन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र जी से आज्ञा पाके राम लक्ष्मण राजा जनक जी के पुष्प वाटिका में फूल ले आवे गईलो। वही पुष्प वाटिका में जहाँ सीता गिरजा पूजन करे खातिर अपना सखी सहेली लोग के संगे आई रही। देखे विधि के विधान, वही पुष्प वाटिका में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पहला मुलाकात सीता जी से होता। आ देखिए जाएगो कैसन गीत के भाव लागल। हो मिले जब राम से आको टहलते वक्त फुलवारी, मिले जब राम से आको टहलते वक्त फुलवारी। हो राम से आको अच्छे लगे असिया राम को लगे प्यारी। और क्या कहती है, एक सखी ने कहा
कितना सुंदर ई प्रेम के रस में डुबोल भजन रहे। आगे गीत जारी रही, चली कथा पर चलल जाओ। सीता जी राम जी के मनमोहक छवि निहारते रह गईली, आने राम जी भी सीता जी के अपना हृदय में बसा लेनी। आ सीता जी माता पार्वती जी के ध्यान धके आ मन ही मन में सोचत आनी, काश हमरो ब्याह यही राजकुमार से हो जाए। आ देखी तुलसीदास जी भी चौपाई में का लिखत आनी, सुनो सिया सत्या आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, असोबर मिली है जाही मनुराचा। अर्थात अर्थात पार्वती जी भी सीता के इहे आशीर्वाद देनी कि जा सीता तारा ऐसने बर मिली आ तहार मनोकामना जरूर पूरा हो। सीता जी माता पार्वती जी से आशीर्वाद लेके राजमहल में चल गईली और एने राम लक्ष्मण दोनों भाई फूल लेके गुरु जी के आश्रम में जाता लो। तब तक राजा जनक विश्वामित्र जी के आश्रम में पहले ही से विराजमान बनी। राजा जनक विश्वामित्र जी के निमंत्रण देतनी आ कहतनी, हे मुनिवर, अगर रउआ हमर सीता बिटिया के स्वयंवर में आईती तो हम धन्य हो जाती, आ संगे संगे हई दुनू राजकुंवर के लिए आईती तो बड़ा निक लागित। देखी जनकपुर नगरी में खुशी के माहौल बा, जौना शुभ घड़ी के इंतजार रहे उ सामने आ गई बा। आज सीता के स्वयंवर होके आला बा, देश विदेश से दूर दूर से एक बलशाली राजा महाराजा लोग जुटल बा। वही में लंका के राजा रावण भी आइल बड़े, कुछ असुर लोग भी राजा के भेष बदल के आइल बा, पूरा मिथिला नगरी में शोर हो गई बा। राजा जनक के दरबार में मिथिला के बड़ बुजुर्ग औरत जवान लड़का बच्चा सभे जुटल बा स्वयंवर देखे खाती कि आखिर इस शिव के धनुष उठाई के आ सीता से ब्याह करी के। यही बीच गुरु विश्वामित्र अपन दोनों शिष्य राम आ लक्ष्मण के लेके राजा जनक के महल में प्रवेश करतन। राजा जनक जी मुनिवर के उचित स्थान पर बैठनी है। अब देखिए सीता स्वयंवर के कार्यक्रम शुरू हो गई बा। राजा जनक बीच सभा में खड़ा होके आ ऐलान कैनी है, हे वीर लोग, हमरा बूढ़ जवान लड़का से कोनो मतलब नहीं है, शर्त एक बा, जे ही भगवान भोलेनाथ के धनुष के तूड़ी ओकरे से हमर बेटी सिया के ब्याह जुड़ी। ताई एगो गीत के कैसे भाव लागता? जे शिव के धनुहिया तूड़ी हो, जे शिव के धनुहिया तूड़ी हो, धनुहिया तूड़ी हो, ए जय शिव के धनुहिया तूड़ी हो। देश विदेश के भूप बिटो तूड़ी हो, अरे सिया के लगन ओसे जुड़ी हो, अब देखी एक एक करके सब वीर लोग धनुष के उठावे खाती अजमावे लगल। धनुष के लगे जैसे ही जाओ लो, धनुष के छुए से पल ही फेंका जाओ लो।
एकदम आनी नी हम उधिया जात रहे लो। एक एक करके बीर खाली होत गईले। एने राजा जनक के चिंता भी धीरे धीरे बढ़े लागल। तब लंकाधिपति महाराज रावण उठनी है। उहां के जैसे भगवान भोलेनाथ के धनुष के पास गईनी है, छुए के कोशिश कैनी है। अचानक उहां के मन में ऐसा लागल है कि ना ना, ई धनुष तो हमार गुरु भगवान भोलेनाथ के धनुष है, एकरा के हम कैसे छू सकता नहीं। धनुष के प्रणाम कैनी है और सभा के बीच से निकल के धीरे से चल गईनी है। अब देखी एक गो राजा उठा उठा के थक गईलो। तब राजा लो सोचल कि ऐसे ही धनुष ना उठी तो सब लोग अब झुंड बना के एक संगे आवता धनुष के उठावे खाती। तो देखी तुलसीदास जी कैसे लिखले बनी। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न तारा डगई न शंभू सरासन के से कामी बचन सती मानु जैसे। अर्थात एक एक राजा लोग धनुष उठा के थक गई। अब देखी एक संगे मिल के 10-10 हजार राजा लोग धनुष उठावे लगल लोग झुंड में। तब भगवान शिव के धनुष टॉस से मस नहीं खे हो, हिलतो नहीं खे। जब ई दृश्य देखली हा सीता जी के माई सुनैना माता तो अपन छाती पीटे लगली हा। आहि रे दादा, हमार सीता कुंवारे रह जाई है, लागत हमार सीता के ब्याह ना होई, ई राजा कैसन संकल्प ले लेले बानी। तब राजा क्रोधित होके उठ के सभा में बोलता नी कि लागता ई धरती वीर लोग से खाली हो गइल बा। अब ई धरती पर कोनो वीर लोग नहीं खे बाचल जे ई धनुष के उठा सको। हे भूप लोग, हमरा के क्षमा करी, रउआ अपना अपना घरे जाई सब है। ई धनुष के उसे टूटे मान के नहीं खे, आ लागता हमार सीता के ब्याह लिखल नहीं खे, रउआ सब अपना घरे जाए। जब इतना वचन लक्ष्मण जी सुननी तो वहां के क्रोधित हो गईनी, कहनी हे राजन, रघुवंश आ छत्री कुल के लयका जहां रहो तहां ई बात शोभा ना देला। शेष नाग के अवतार लक्ष्मण के आवाज के गड़गड़ाहट सुन के धरती डोले लागल। लक्ष्मण जी कहनी है, हे राजा जनक, अगर हमार गुरुदेव के आज्ञा मिल जाओ, अगर हमार बड़ भाई के आज्ञा मिल जाओ, तो ई धनुही का ई धरती के टुकड़ा टुकड़ा करके दिखा दे। तब राम जी के इशारा पर लक्ष्मण जी के क्रोध तनी शांत भइल है आ वहां के अपन स्थान पर बैठ गईनी है। तो देखी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैसे लिखले बानी। विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मेहबानी, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी शुभ समय देख के शुभ मुहूर्त देख के राम के आज्ञा देनी है कि हे राम उठा, अब जाके ए धनुष के उठाव, राजा जनक के लाज तहरे हाथ में बा राम, तहरे हाथ में। ई दृश्य जब सीता माता देखली है तब बहुत खुश भइली है, सोचे लगली है कि लागत हमार राजकुमार आ गईनी। लेकिन एजा सुनैना जी मन ही मन बड़ा दुखी भइनी है, सोचे लगली है कि जहाँ इतना बड़ बड़ राजा इतना बलशाली लोग थक गए तो ओहिजा है छोट बालक कैसे धनुष उठाई है। लागत कि राजा के बुद्धि केहू और ले ले बा। अपना गुरुदेव से आज्ञा पैला के बाद भगवान श्री राम धीरे धीरे शिव के धनुष के तरफ बढ़तनी। सब राजा महाराजा के नजर भगवान राम के ऊपर बढ़ू आ श्री राम के ध्यान भगवान भोलेनाथ के चरण में लागल बढ़ू है। श्री राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़तनी। धनुष के पास पहुंच के श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ के भगवान शिव के आराधना करतनी, स्तुति करतनी आ धनुष स्पर्श करे खाती भगवान शिव से आज्ञा मांगतनी।
जय जय शंभु कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। जय जय शंभु कैलाशपति, प्रभु रखियो लाज हमारी जी। जय के बाद श्री राम जी धनुष दोनों हाथे उठैनी है। भगवान भोलेनाथ के स्मरण करते हुए धनुष के उठावतनी, जैसे धनुष के तननी है, धनुष दो टुकड़ा में पड़ाक से टूटल है। धनुष टूटला के आवाज तीनों त्रिलोक में गूंज गई है, धरती डोले लागल है आ आसमान से फूल के बारिश होखे लागल है आ सब देवी देवता लोग मिलके जयकार लगावे लगल है। तो बोलिए सिया पर राम चंद्र की। देखी धनुष टूटला से पहले रामचंद्र जी के जयकारा लागत रहे, लेकिन एजा पहिला बार सिया बर रामचंद्र की जय होता, यानी कि सिया के बर रामचंद्र जी हो गेल बनी। माता सुनैना के खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे होखो कहे ना, अगर कोनो भी बेटी के सुजोग बर मिल जाओ, अगर सुंदर बर मिल जाओ तो माई खुशे न होई। तो सुनैना जी बहुत खुश बानी, पूरा राजमहल में मंगल गीत हो रहल बा, सिया के बरमाला हो रहल बा। सिया अपना हाथ में बरमाला ले ले बड़ी आ रामचंद्र जी से बरमाला होके जा रहल बा। तो सखी सहेली लोग कैसे गीत गावता? ए पहुना जी खिसियाई बनी का, बड़ा मलबा गलबा में, सिया दल है बड़ मलबा
बरमाला के कार्य संपन्न भइल, चारों तरफ खुशी के माहौल बा। ओही खुशी के माहौल में अचानक जब परशुराम जी के पता चलल बा कि शिव के धनुष टूट गइल बा, परशुराम जी एकदम क्रोधित होके आंख लाल लाल को के फरसा लेके दौड़ल बने और राजा जनक के दरबार में पहुंच गइल बने और कहतनी, ए राजा जनक, सच सच बतावे, ई धनुष तूरल हके, ई भगवान भोलेनाथ के धनुष ह, आखिर एकरा के तूरल हके, ओकरा के आज हम कुटी कुटी काटू। तो देखी कैसन भाव लागता रे दादा, आ सुन के धनु ही के आवाज, आ जगला परसु महाराज, आ सुनी धनु ही के आवाज, कि जगला परसु महाराज, तो दौड़ल चली आइले राजा के भवनवा। शिव शंकर के हा धनुष की कमर तुरलस हाई मानुष, हा शिव शंकर के हा धनुष की आज काटब धके ओकर घरा दानवाना, की आज काटब धके ओकर घरा दानवाना। कोइले बाढ़ी ठाई आ हमरा फरसह से कटाई, कि जवन कोइले बाढ़ी ठाई आ हमरा फरसह से कटाई, कि परशुराम हवे हमर नुना मगाना, कि आज काटब धके ओकर घरा दानवा। क्रोधित रूप देख के सब राजा महाराजा लोग वहां के चरण पकड़ता, हे बाबा रउआ नाराज मत होई। राजा जनक विनती करतनी, हे प्रभु रउआ मौत खिसियाई। तब तक विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के आदेश देतनी कि राम लक्ष्मण बाबा के पांव छुआ लोग, बाबा से आशीर्वाद ला लोग। आ एने राजा जनक जी सीता से कहतनी कि सीता तू बाबा से आशीर्वाद लो, आशीर्वाद। राम लक्ष्मण दोनों भाई परशुराम जी के चरण में गिर दी हैं, प्रणाम करनी है, परशुराम जी आशीर्वाद देनी है, दीर्घायु भव। और सीता जी जब प्रणाम करनी है तो परशुराम जी कहनी है, सौभाग्यवती भव,
लेकिन परशुराम बाबा के क्रोध शांत नहीं होत। वहां के कहत नहीं राजा जनक, ऐसे हम चुप ना हो खाब, ये बतावा कि धनुष आखिर के तुड़ला सा, आई राजमहल में इतना लोग काहे खाती जुटल बा, आखिर एकर का कारण बा। जब बाबा के क्रोध शांत नहीं होत तैने लक्ष्मणो जी तो शेष नाग के अवतार हैं, धीरे धीरे फोन काढ़े लगनी। वहाँ का मिजाज गरम होके लागल। लक्ष्मण जी कहत नहीं, ए बाबा बाबा लाड़ी कैया में लक्ष्मण जी कहतनी कि ऐसन धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा, कि ऐसन धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा, लहड़ी कैया में बाबा हो, लहड़ी कैया में बाबा, लहड़ी कैया में बाबा हो, लहड़ी कैया में बाबा, अतना धनु ही केतना तुड़नी लौड़ कहिया हमें बाबा। बचपन से सायान जी आज कहे मचावत बानी इतना रउत भान जी, ए बाबा रहने सुनी ना, कई है गुरु जी से, कई है गुरु जी से पढ़ानी पढ़ैया में बाबा, ई है गुरु जी से सीखानी पढ़ैया में धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा, कि ऐसन धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा, लहड़ी कैया में बाबा हो, लहड़ी कैया में बाबा, कि ऐसन धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा, कि ऐसन धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा, कि ऐसन धनु ही केतना, धनु ही केतना, धनु ही केतना तुड़नी लहड़ी कैया में बाबा। लक्ष्मण जी के ऐसन बात सुन के परशुराम जी के क्रोध और बढ़ गए ला, आ कहतनी रे निर्प बालक काल बसा बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, मूर्ख बालक तोरा बुझात नहीं खे ई ऐरी गैरी धनुष है, अरे त्रिपुरारी के धनुष है, भगवान भोलेनाथ के धनुष है, एकरा के ते खेले कूदे वाला धनुष समझता रे, अभी ते जानत नहीं खीस, ई है धरती पर ई है फरसा से 20 बार हम छतरी के संहार कैले बानी, 21वां नंबर तुहरे होई तुहरे। अब देखी दोनों गरम दल के बीच में फरियावता करे खाती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आवतनी, वहां के कहतनी बाबा भगवान शिव शंकर के धनुष तुड़े वाला राउर केहू दासे नु होई, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिया कि न मोही सुनी रे साई बोले मुनि कोही।
राम जी कहतनी परशुराम जी से, बाबा ये गलती हमरे से भइल बा, माफ कर दी बाबा, माफ कर दी, मत खिसियाई बाबा, मत खिसियाई। ये हमार छोट भाई लक्ष्मण हवन, लाइक बुद्धि में अगर कोनो गलती कर देले बड़े तो ओकरा खाती रउआ से हम माफी मांगतनी बाबा। एकरा के छोट बालक, अबोध बालक बुझ के माफ कर दी बाबा, माफ कर दी। आखिर कोनो लड़का गलती कर दलसन तो ओकरा कहते ना नानू सजा दिहल जाला। अरे रउआ हमार गार्जियन बानी बाबा, माफ कर दी। जब राम जी के ई स्वभाव देखनी है परशुराम जी, अरे इतना मधुर बोले वाला ई बालक के है, लागत कि जरूर कोनो राजकुमार है। बालक तोहर नाम का है? परशुराम जी पूछनी है। तब राम जी कहतनी, बाबा हम रघुकुल के बालक, हमार पिताजी के नाम अयोध्या नरेश राजा दशरथ है। तब परशुराम जी पूछनी, बालक तहार का नाम है तहार? राम जी विनम्र स्वभाव में कहनी है कि हे बाबा, राउरी भक्त के नाम राम है। परशुराम जी जब राम शब्द सुननी है, राम 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 के अवतार हो गइल बा, जब राम के अवतार हो गइल बा तो ए धरती पर परशुराम के कौनो जरूरत नहीं है। ई बात कह के सीता और राम के आशीर्वाद दे के अपन फरसा लेके परशुराम जी ओइजा से निकल गईनी। अब देखी जनकपुर में एक बार फिर से खुशी के माहौल छा गइल बाटे। राम जी जनकपुर में विराजमान बानी। सीता जी के सखी सहेली लोग पहुना के खातिरदारी में लागल बालो, सेवा सत्कार करे में लागल बालो। देखी मिथिला में सबसे ज्यादा पाहुन के खातिरदारी होला आजो, लेकिन मिथिला छोड़ के अगर और कहीं जाई तो पहला दिन है पहुना, दूसरा दिन है ठेहुना और तीसरा दिन है केहुना। लेकिन मिथिला में ऐसा बात नहीं है, आजो दमाद के राम जैसन पूजल जला। तो देखी सीता के सखी सहेली लोग कैसे गीत गावता। ब्याह के तैयारी होखे लागल, लेकिन एह बात से सुनैना जी के मन खुश नहीं है। सुनैना जी कहतनी कि हे राजन, रउआ जनकपुर के राजा हैं, मिथिला के राजा हैं, आ रउआ एगो बेटी आ उहो बेटी के ऐसे ब्याह करब, ई नीक नहीं लागत राजा। अगर रउआ ए बबुआ लोग की हाँ अगर पाती भेजवाई, बारात आओ, दुआरा बारात लागो, ऐसे ब्याह होखो तब मिथिला नगर के लोग भी खुश होई आ हमरो बड़ा निक लगे। तब राजा जनक अपन पुरोहित के बुला के, कुल गुरु के बुला के बैठ के विचार विमर्श करनी है। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त देख के पाती लिखवैनी है आ ऊ पाती धावन के बुला के
अयोध्या नरेश राजा दशरथ की यहाँ भेजता नहीं तो देखी एजा कैसे गीत के एगो भाव लागता वह हमनी के पारंपरिक धुन बा। देखी राजा दशरथ इस शुभ समाचार पढ़ के बड़ा खुश होता नहीं। राजा दशरथ बारात साजे लगनी देखी भक्त लोग यह पहला ऐसा बारात हो कि जेमे सब बाराती लोग बा लेकिन दुल्हा नहीं खन दुल्हा पलही से ससुरार में बड़े। राजा दशरथ लगन से 27 दिन पहले बारात साज के मिथिला खाती निकलता नहीं। देखी अब ई बारात मिथिला नगरी से 12 कोस पहले कमला नदी के किनारे टिकावल गई। उ एह से काहे कि बारात लोगों से पहले आई रहे वही कमला नदी के किनारे एगो बिमला शहर बसावल गई। ओइजा 14 गो भवन बनल जनकपुर से राम और लक्ष्मण जी के बुलावल गई। एने भरत आ शत्रुघ्न जी बराती के संगे आई रहे लो। अब देखिए एजा लौकिक विधि से शादी के शुभारंभ हो रहा बा। राजा दशरथ जी राजा जनक के बोलैनी महर्षि विश्वामित्र जी ऐनी कुल गुरु वशिष्ठ जी ऐनी राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी ऐनी। सब लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करता कि जब जात मिलिए गई गोत्र मिलिए गई गणना मनना मिलिए गई दिल मिलिए गई आ शुभ मुहूर्त मिलिए गई बा तो काहे न साइत ले सुतार भला चारू भाई के शादी एके जगह कह दिहल जाओ। तो देखी राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी के शादी जनक दुलारी सीता जी से होता और राजा जनक के एगो छोट भाई रही कुशध्वज वहाँ के 3 बेटी उर्मिला मांडवी सुरतकीर्ति। लक्ष्मण जी के शादी उर्मिला जी से सुनिश्चित होता। भरत जी के शादी मांडवी जी से और शत्रुघ्न जी के शादी सुरतकीर्ति जी से सुनिश्चित होता। अब देखी ब्रह्मा जी के लिखंत केहू टार नहीं खे सकत। राजा दशरथ के एगो बेटा के स्वयंवर भाई रहे लेकिन एजा तो शादी चारू बेटा के संग ही होता। अब देखी वही बिमला शहर से राम चारू भैया के शादी के शुभारंभ हो रहा बा। आज राम चारू भैया के तिलक के शुभ दिन हुए। जनकपुर से तिलकहरू लोग तिलक चढ़ावे आइल बा। देखी हमनी के हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार जब तिलकहरू लोग आवेला आ तिलक चढ़ेला तो कौन कौन गीत गावल जाला आई सुनल जाओ।
देखी गाय के गोबर से अंगना लिपा गइल बा, तिलकहरू लोग दुआर पर आ गइल बा। अब पंडित जी लो मंत्रोच्चार करता आ तिलकहरू लोग आंगन में प्रवेश करता लो, तब फिर कौन गीत गावल जाला? चौका बनल बा आ चारू चौका पर राजा दशरथ के चारू पुत्र विराजमान बालो। एक तरफ राम जी मुस्कुराता नी, दूसरे तरफ लक्ष्मण भैया आ एक तरफ भरत शत्रुधन जी। कितना सुंदर लागता देखी दृश्य, बार बार देखे के ना मिलेला। तिलकहरू लोग तिलक चढ़ावता आ सखी लोग गीत मंगल गावता। अरे गावा गावा ए सखी तिलक चढ़े लागल। कितना बढ़िया लगता राम चारू भैया के हाथ में सोने के कटोरा में चंदन रखल बा। चारू दुल्हा के चेहरा चांद सूरज खानी चमकता। अब देखी तिलक चढ़ गई,
धान हरदी भी बटा गई आ तिलक चढ़ला के बाद राम चारू भैया के आशीष दिहल जाता माई बहिन चाची लोग मिल के चुमावन करता। राजा जनक तिलक चढ़ा लेने अब राजा दशरथ वहाँ के भोजन पर आमंत्रित करतनी यानी कि अब जेवना परोसल जाता समधि जी के। आ जब समधि जी लोग खाए शुरू करता तो चाची बहिन सब लोग मिल के जेवनार गावता गारी गावता उ कैसे। अरे ए सखी का सखी है देखा बोला बोला समधि जी खाए बैठल बाड़े गावा गारी गावा। पूड़ी खाला ए पूड़ी खाला हाँ पूड़ी खाला बाटे
भरी भरी पेंट जनी चटिहा पाले ना तो झर लगी पेंट पूरी खाला बाद राजा दशरथ जी एने बारात साजे के तैयारी करतनी आ ओने राजा जनक की हां माड़ो गड़ाए के तैयारी हो रहल बा हरियर हरियर बांस कटा रहल बा आ गीत मंगल गवा रहल बा माड़ो छवा रहल बा कितना प्यारा माड़ो छवाइल बा सीता जी के लागता कि भगवान विश्वकर्मा खुदे अपना हाथे ही माड़ो के सजोले बने आ हा 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 लागता ही मड़वा चांद सितारा से सजल बा एही मड़वा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी परिचयी हैं अब देखी दोनों और माटी कोड़ाए के कार्यक्रम चालू हो गइल बा आ राजा जनक की हां माटी कोड़ाता आ गीत मंगल कैसे गावल जाता कावना रने बने
बाबा के दुआरा वाए कोई लरा पूछा हाली जास। देखी माटी कोड़े वाला जगह पर सब लोग पहुंच गए बा गावत बजावत। अब माटी कोड़ाता तो देखी एगो परंपरा के अनुसार एजा गीत होला, आई सुनल जाओ। सीताजी के सखी सहेली गांव नगर के लोग राजा जनक के आंगन में जुटल बटे। मड़वा में कलसा रखाइल बा, चौका पुराइल बा, आ ओही चौका पर सीता जी बैठल बाड़ी, आ हरदी के रसम शुरू हो रहल बा। आ ओने का राम जी चौका पर बैठल बानी, राजा दशरथ राम चारु भैया के हरदी चढ़ावतनी। आ एने राजा जनक अपन दुलारी अपन प्यारी बेटी सीता के हरदी चढ़ावतनी। तो देखी कैसन गीत के भाव लागल बा। राउर है बाबा हो जनक
कितना सुंदर लागता। आज सीता जी के हरदी रूप के औरी निखार रहल बा। हमनी के हिंदू धर्म में अगर कौनो रसम होला तो ओमे पौनी के नेग दिहल जाला। तो राजा जनक जब हरदी चढ़ावत आनी तो पौनी नेग मांगता रहे। तो देखिए एगो औरी गीत कैसन होला। इंतजार रहे जौना शुभ घड़ी के इंतजार रहे वो घड़ी आ गई बा। आज राजा जनक आ माई सुनैना के खुशी के ठिकाना नहीं है। आ होखो कहे ना आज सीता बेटी के बारात आवे आला बा। आयने राजा दशरथ रामचारू भैया के बारात साज के मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहल बनी। ओह बारात में राजा दशरथ धरती के बड़ बड़ राजा लोग धुरंधर लोग के नेवता दिले बनी। आ सभे आइल बा बारात में। देवता लोग भी भेष बदल के आइल बा। इतना सुंदर बारात रहे बबुआ। मृदंग नगाड़ा बाज रहल बा। घोड़ा के घोड़दौल हो रहल बा। हाथी के हनहनौल हो रहल बा। मिथिला नगरिया में धूरा उड़ गइल बा बाबू। ई नजारा देख के देवता लोग मने मन मुस्काता। ऊपर से फूल के बारिश हो रहल बा धरती पर। आ देखे बारात के स्वागत में राजा जनक सब परिवार भाई कुशध्वज के साथे अपन होखे वाला समधी राजा दशरथ के स्वागत करतनि। आ सखी लोग गीत मंगल गावता।
बारात आ गइल बा। राजा जनक राजा दशरथ के स्वागत करतनी, द्वार पूजा होता, अब पुरोहित जी लो मंत्रोच्चार करता। कैसे? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखी द्वार पूजा हो गई, अब जन्माशा से धुरछक के पानी राजा जनक के घरे जाता सीता नहवावन खाती। देखी आंगन में सीता के नहवावन होता, अब मिथिला नगरी के सब सखी सहेली लोग जुटल बा, तब माई बहिन चाची लोग मिल के एगो नहवावन के गीत कैसे गावता। सीताजी के नहवावन के बाद सखी सहेली लोग सीताजी के सजा धजा के आ चौका पर बैठावता। अब सीताजी के नोछू होता आ गीत गवाता। कैसे हमने की यहाँ एगो गीत गावल जला, ए जी नया नो हरनी पुरान नहुआ, ए जी नया नो हरनी पुरान नहुआ, तो नोहा काट तुम नहुआ के डर लागेला, आज दुलहिन के एड़िया गजब सोहेला, तो नोहा काटत में नौवा के डर लागेला। अब देखिए ना सुनैना जी के भैया इमली घोटावे आइल बनी। सीता जी चौका पर बैठल बनी आ इमली घोटावन होता। हमने की हाँ इमली घोटावन के गीत तनी मजाकिया अंदाज में होला, तो देखी कैसे गीत होता। आगे माई गिर गईले रोपया, लाजाई गईले भैया, मत भागु सुने ना देके भैया, आगे माई हम दे हब रोपया, घोटाए जाई मिलिया, हम दे हब रोपया, घोटाए जाई मिलिया। देखिए ब्याह के कार्यक्रम आगे बढ़ रहल बा, सीता जी के गुरहत्थी होके आला बा, सखी सहेली लोग आंगन में पहुंचल बा, बैठल बा, केकरा इंतजार में, भौसुर के इंतजार में, अब मड़वा में गुरहत्थी होके आला बा। देखी राम जी के केहू बड़ भाई ना रहे, यही से कुल गुरु वशिष्ठ जी के लड़का वामदेव जी राम जी के बड़ भाई बन के मड़वा में भौसुर बन के आइल बनी। अब देखी सीता जी के गुरहत्थी शुरू हो रहल बा। हमनी के हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार एह मौका पर गारी जरूर गावल जला, भौसुर के गारी जरूर सुने के पड़ेला, आ इहे गरिया ए भैया शुभ होला, बड़ा भाग से मिलेला, तो सखी लोग कैसे गावता। अरे देखा देखा ए सखी भौसुर मड़वा में आ गई ले,
कंगना के नाम तू हसवैला मोछ मुंडा भसूर सोना करार कैलो चनी करार कैलो ए रोल गोल के गहना भैया के बाद हजाम के भेजल जाता आ ओने से राम चारू भैया के ब्याह खाती अंगना में बुलावल जाता। जैसे ही राम चारू भैया राजा जनक के अंगना में प्रवेश करतनी आहा सुनैना माता के करेचा जुड़ा गता। सास जी अपन दामाद पर छेखती एकदम अगराइल निकलतारी आ राम जी के एजा परछावन होता। कैसे गीत गवाता
सास जी बर परिछ ले ली। श्री राम जी के परिछावन हो गए। अब सीता जी के सखी सहेली लोग राम जी के आरती उतारता। तो देखी कितना सुंदर राजा जनक के अंगना में एगो गीत गुजता जौन आजो मिथिला में गावल जाला। सखी सहेली लोग राम चारू भैया के आरती उतार लिहल निहार लिहल। लेकिन एगो एजा बड़ा विशेष बात बा। देखी आज बर के परिछावन होला आ गारी सुने के परला। ई परंपरा आजे के ना हो, रामो जी के ससुरारी में गारी सुने के पर रहे। तो ई गारी गारी ना हो, ई प्रेम के गारी है। ई बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद है। तो देखी ओही घरी के एगो गीत आजो गावल जाला मिथिला में। दादी अमर लोग कैसे गावेला? राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, आज जनकपुर के नारी बतावा बाबुआ। लोग वदेत का है गारी बतावा बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर कनारी बतावा बाबुआ। लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ। ए लोगवा देत काहे गारी बतावा बाबुआ। अब देखी राम जी के भंवर घुमा के मड़वा में बैठावल जाता। एक तरफ राम जी बैठल बानी, दूसरा तरफ अपना माई बाबू के गोदी में सीता जी बैठल बानी, पुरोहित जी बैठल बानी, पंडित जी बैठल बानी और कन्यादान के समय आ गेल बा। देखी कन्यादान एगो ऐसन समय है जौना बेरा काठों के करेजा रोए लागेला, पत्थरों के दिल पिघल जाला, आंगन में सभे रोता, केहू के आंसू नहीं खे रुकत, सभे एह से रोता कहे से कि सीता पूरा जनकपुर के दुलारी रही।
राजा जनक के आंख से आंसू गिर रहल बा। सुनैना माता कुहू कुहू के रो रहल बाड़ी। आज बेटी पराया हो रहल बाड़ी। आज सीता के कन्यादान हो रहल बा। कुश के चाटैया बाबा बैठल हो बानी हमें बैठल हो बानी हमारा के तेजत हो बानी हमारा के तेजत हो बानी तावा पातो ही आकाहे ना ते जानी तो हम आके ते जत हो बानी हमारा के ते जत हो बानी पुतावा पातो ही देखिए कन्यादान के रसम में ही पानी ग्रहण होला जौना में माता पिता अपन पुत्री के हाथ अपन जिगर के टुकड़ा के हाथ केहू गैर के हाथ में सौंपे ले। एह बेला में एगो बहुत मार्मिक गीत होला जौन के दिल के बहुत छुएला और आँख से आंसू अपने मने गिरे लागेला। राजा जनक सुनैना माता अपन बेटी सीता के हाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हाथ में देता लो। आँख से झर झर असही आंसू गिरता सभे अंगना में कुहू कुहू के रोता। आ कौन गीत गावता धार देहू धार देहू कावा ना भैया धारावा जानी टूटे हो धार टूटी जीती है कावा ना दुल्हा तो हर बहिना हारा जय है हो धार टूटी जीती है कावा ना दुल्हा तो हर बहिना हारा जय है हो। अब देखी कन्यादान हो गई माता पिता के लगे से सीता जी उठ के अब प्रभु रामचंद्र जी के बगल में बैठल बाड़ी। देखी जगत जननी माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अर्धांगनी होके जा रहल बाड़ी। लावा मिलावल जाता आ श्री रामचंद्र जी सीता जी के मांग में सिंदूर भरे जा रहल बानी। मिथिला के सात सुहागिन मिल के प्रभु रामचंद्र जी के हाथ में सिन्होरा देता लो। प्रभु इस सिन्होरा ली आ सीता के मांग में सिंदूर भरी। राम जी सीता के मांग में सिंदूर भरता नहीं आ सखी लोग एगो गीत कढ़ावता बाबा बाबू कहारी ले बाबा ना बोली ले बाबा ना बोली ले हे बाबा के बाला जो
लक्ष्मण जी उर्मिला जी के मांग भरतनी, भरत जी मांडवी जी के मांग में सिंदूर डालतनी, आ एने शत्रुधन जी सुरत कीर्ति जी के मांग में सिंदूर डालतनी। देखिए एजा राम चारू भैया के खुशी खुशी ब्याह संपन्न होता, उन्हें देवलोक में खुशी के ठिकाना नहीं खे, आसमान से फूल के बारिश हो रहल बा, सब लोग श्री राम जी के जय जयकार कर रहल बा। तब प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब देखिए राम जी के ससुरारी में चुमावन होता, राम जी सीता जी के सब लोग आशीष देता। चुमावन के बाद राम जी कोहबर में जाता नहीं, ता एही जो एगो रसम होला दुआर छकाई के, जौना में साली लोग अपन पाहुन के दुआर छकेला आ नेग मांगेला। तो देखी कैसे जनकपुर के सखी लोग राम जी से कैसे नेग मांगता।
तब भक्त लोग श्री रामचंद्र जी महाराज सीता जी के संगे कोहबर में जाता नहीं अपन कुल देवी देवता से आशीर्वाद लेवे खातिर। त एजा सीता राम जी के विवाह संपन्न होता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तब भक्त लोग ई कथा कहे में अगर हमरा से कोनो प्रकार के गलती हो गई होखो त अबोध बालिका समझ के हमरा के क्षमा कर और अपना अनु दुबे पर असही प्यार आशीर्वाद बनौले रखब और हम वादा करतनी कि रउआ सबके बीच असही सुंदर सुंदर कथा कहानी लेके फिर आवत रहब और आपन राय सुझाव हमरा के जरूर देब। प्रेम